कीमो रेडिएशन और सर्जरी करवाने के बाद कैंसर मरीजों को आपके इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट से कितना लाभ मिल पाता है? देखिए कि जब मरीज हमारे पास यदि स्टार्टिंग में ही आ जाए बिना छेड़छाड़ के, हम ये कहते हैं कि कैंसर के मरीज को जब पता लगता है, हम कहते हैं कि सीटी स्कैन के अंदर 99% कन्फर्म होता है कि कैंसर है, परंतु इसके बाद भी हम कैंसर में जब बायोप्सी कराते हैं तो बायोप्सी कराते से ही कैंसर पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है और उसके बाद में उसकी जो बीमारी है, उसकी जो तकलीफ है, तुरंत बढ़ जाती है। तो उस स्टेज के पहले यदि बिना बायोप्सी किए यदि मरीज हमारे पास में आता है तो उस समय पेशेंट की एनर्जी लेवल बड़ा ठीक होता है और हमारी मेडिसिन उस समय देने से हम ये कहेंगे कि पेशेंट 80-90% तक उसका क्योर होने की संभावना होती है। जी, अगर बात की जाए कीमो रेडिएशन और सर्जरी के साइड इफेक्ट बहुत गंभीर होते हैं, क्या आपके ट्रीटमेंट में भी ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं? नहीं, देखिए कि जैसे मैंने अभी बताया है कि हमारी मेडिसिन प्लांट में मेडिसिन है, वनस्पति जगत पर आधारित है। इसमें जितने भी प्लांट्स लिए गए हैं वो केवल प्लांट्स हैं और उसकी एनर्जी को कोवेशन मेथड से हम निकालते हैं और उसके बाद में उसका प्यूरिफिकेशन इतना हम करते हैं कि केवल उसके अंदर एनर्जी होती है, तो उसमें किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। हमारी मेडिसिन यदि 1 साल के बच्चों को भी दे दी जाए तो उसे कोई भी हानि नहीं होगी।